शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कहिए ना इन सबसे क्या हुआ आपकी गहना है? हाथ छोड़ो इनका। मेरी बहन का खून करके मेरे पापा से रिश्ता जोड़ रही हो तुम? ये हमारे भी पिताजी हैं। इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है और आप लोग प्लीज इसे ले जाइए प्लीज। गहना कहीं नहीं जाएगी। ये गहना ही ना, इसका नाम गायत्री है और ना ही ये गहना की आम शक्ल है। ये गहना है हमारी बेटी। कौन है ये? अरे क्या बोल रही है, ये गहना है हमारी बेटी, क्या बड़बड़ कर रही है? माँ आप ये क्या कर रही हैं? रोक क्यों रही है पुलिस को? ले जाने दो इस हत्यारन को। हमने आपसे कहा ना ये गहना है, हम इसकी माँ हैं। एक माँ तो झूठी गवाही नहीं दे सकती ना। छोड़ दीजिए इसे। छोड़ना मत इसको। इसी ने गहना का खून किया है, मैं बता रही हूँ ना। देखिए सबसे पहले आप लोग अपनी फैमिली मसले को सॉल्व कीजिए। ये कहती कि ये इनकी बेटी है, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। चलिए। माँ ये आपने क्या किया? मेरी माँ होकर इसका साथ दिया? ठीक है, इस घर में कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा पति मेरा पूरा साथ देगा। और अगर मेरा गौरव मेरे साथ है ना, तो फिर मुझे और किसी की जरूरत नहीं। चलो गौरव। बेटा जरूरी नहीं कि हर खून का रिश्ता अपना हो। तुमने तो उर्वशी को देखा ही है, इंसान जब रिश्ते बनाता है ना तो वो कभी ना कभी टूट जाता है, लेकिन जब हादसों की वजह से रिश्ते बनते हैं तो वो कभी नहीं टूटते। हमारा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, पर दर्द का रिश्ता जरूर है। तुम पर जो बीत रही है ना बेटा, ये हम समझ सकते हैं। ना रो मत, तुम ठीक रहोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गहना मत रो बेटा। महावीर हमें हमारी चिंता दे, हमें बस गौरव की चिंता हो रही है। आपने देखा, पता नहीं उर्वशी ने उसके साथ क्या कर दिया। हमने सब कुछ देखा और सब कुछ सुन लिया। हमारे कहने के बावजूद गौरव हमें पहचान ही नहीं रहा है, हमारी बात तक नहीं सुन रहा है। मैं जेल भेजने जा, पता नहीं क्या हो गया हमारे गौरव को। आपके साथ भी उसने कैसे बदतमीजी से बात की। हमारा गौरव ऐसा नहीं था माँ, पता नहीं उर्वशी ने क्या कर दिया उसके साथ। हमें शक तो था कि उर्वशी कुछ ना कुछ कर रही है, जादू टोना, लेकिन हमने आंखों से नहीं देखा था ना बेटा, तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। पर जब तुम्हारे पापा ने हमें बताया कि उर्वशी उनकी जान की बलि देने की कोशिश कर रही थी और तुमने फिर से आके उन्हें बचा लिया, तभी हमें यकीन हुआ। बेटा एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसके सुहाग पे बात आए ना, वो चुप नहीं रह सकती। बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा सलूक किया, और
और तुमने हमारी सुहाग को बचा लिया। जब तुम अपने सुहाग को बचा रही थी तब हम तुम्हारे साथ नहीं थे बेटा, हमें माफ कर देना। शायद ये हमारे कर्मों का फल है जो हमारी बेटी हमारी दुश्मन बन गई है, और जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे थे वो हमारी बेटी से बहुत ज्यादा बड़ी निकली, सगी बेटी जैसी। माँ लेकिन गौरव, बेटा वो खुद अपने नियंत्रण में नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे पापा हैं, हम दोनों उसे सही रास्ते पर लेके आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करोगे ना। शांत हो जा, रोना तो मुझे चाहिए। देखो ना, तुम्हारी माँ को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरा गौरव मुक्त नहीं हो पाया उर्वशी से। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। गहना, माँ, माँ, आज इस लड़की की वजह से मैं उर्वशी के कैद से आजाद हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम सोच रही होगी कि मेरे कंकाल को जलाने के बाद, उर्वशी की अंगूठी को भस्म करने के बाद भी, गौरव का वशीकरण तोड़ने के बाद भी, आज भी उर्वशी के कैद में है गौरव। और इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें अपने घर में ही तलाशी करनी होगी। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आपकी बेटी का सिर्फ ख्याल ही नहीं, बल्कि जब भी उसे हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर कदम पर उसके साथ खड़े रहेंगे। अब चिंता मत कर, मैं एक आत्मा हूँ इसलिए बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी एक पवित्र आत्मा है, इसलिए भगवान तुम्हारे हर एक काम में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चलती हूँ। मेरी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ इस बच्चे की माँ इससे दूर हो गई, और हमारी माँ जैसी गुरु हमारी दुर्गा वो हमसे दूर हो गई। दुर्गा माँ, हम आपको क्या बताएं कि आपके बिना हम अकेले हो गए। हम बार बार वहाँ अस्पताल आकर आपको आपको परेशान नहीं करना चाहते। दुर्गा माँ, आप हमें बस वहीं से आशीर्वाद देते रहिएगा, ताकि हमें हमें उर्वशी के राज का पता चल सके कि आखिर ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से गौरव हमें हमें पराया कर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है उर्वशी के पास कि वो अभी भी गौरव को अपने वश में कर रखा है। शकर नवाज, इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।